तो चलिए आज बनाते हैं हम केक बॉबॉन बिस्किट का। बहुत टाइम बाद बनाने जा रही हूँ। मैंने 2020 में बनाया था और 2020 में मैंने 3 से 4 बार बनाया था। बर्थडे के टाइम पर भी मैंने बनाया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बाहर से मंगवाने का, तो मैंने बनाया था। और लॉकडाउन में तो बहुत लोगों ने बनाया था, तो मैं वही बना रही हूँ। ये मैंने एक पैकेट बिस्किट लिया है, आई थिंक जिसमें 12 बिस्किट रहते हैं वही है। लेकिन मैंने पहले थोड़ा तोड़ा है, उसके बाद फिर मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। मैंने चीनी नहीं ऐड की, 1 ही स्पून डाली थी जो है। उसको ऐड करने के बाद मैंने अभी इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद अभी मैंने इसमें जो है नॉर्मल मैंने जो है मिल्क ऐड किया था, ना गर्म था ना ठंडा था, नॉर्मल था। गर्म किया हुआ दूध था, रखा था बाहर, तो वही मैंने ऐड किया था, नॉर्मल ही दूध था। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है जिससे लम्स ना डालें जो है। और बिस्किट का जो पेस्ट बनाना है वो भी अच्छे से पेस्ट बनाना है कि जिससे बिल्कुल उसमें कहीं भी वो बिस्किट ना रह जाए। अच्छे से ग्राइंड करना है, देख लीजिए। तो मैंने इसमें जितना दूध लगा उतना मैंने ऐड कर लिया, ना बहुत थिक रखना है ना बहुत पतला रखना है। अभी मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसमें कुकर में नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। गर्म करके गैस जो है मीडियम फ्लेम, सॉरी बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया। उसके बाद मैंने बैटर 15 मिनट के लिए रखा था। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इनो जो है। इनो को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम, और मेरे पास वो पैन केक बनाने के लिए बर्तन नहीं है, तो मैंने पहले मैं टिफ़िन में बना लेती थी, बट टिफ़िन भी नहीं, मतलब खाली नहीं था, उसमें कुछ रखा हुआ था। तो मेरे पास छोटा सा वो बकेट टाइप का स्टील का, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, गर्म किया था बट मेल्ट नहीं हुआ, तो मैंने इसी बकेट में जो है बनाया था। और कुकर में आ गया था, पहले मैंने ट्राई कर लिया था कि हाँ कुकर में बकेट आएगा कि नहीं आएगा। और मेरे पास इसका वो नहीं अभी तक, तो मैं ले लूँगी जब लगेगा। अभी मैंने रख दिया था और ये शायद सूट नहीं हुआ। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, बन गया है। आई थिंक मुझे लगता है 40 मिनट की तो जो है 35 मिनट में बन गया था, बिल्कुल बढ़िया सा परफेक्ट बन गया। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी चाकू में चिपका नहीं। और उसके बाद मैंने एक साइड में थोड़ा सा कढ़ाई में भी कटोरी भी रखा था, हमने कहा स्पेस एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये देख लीजिए कटोरी वाला भी बहुत बढ़िया से बन गया था, बस थोड़ा सा निकालने में वो हो गया था, नीचे घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी और मेरे पास बटर पेपर नहीं था उसकी वजह से। ये देख लीजिए आप लोग, मैंने बकेट में ऐसे ही बनाया था और अच्छा बना था। चीनी आप नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, बट मैंने सिर्फ 1 स्पून डाली थी। लोग तो बहुत डालते हैं बट मैंने 1 ही स्पून डाला था जो, और बहुत अच्छा बना था स्पॉन्जी सा। मैंने बहुत टाइम के बाद ट्राई किया है जो है, 3 साल के बाद मैंने बनाया। मैंने 2020 में बनाया था, देख सकते हैं आप लोग, अच्छा सा बन गया है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, बढ़िया बनता है और बहुत ईजी है, घर में आसानी से बन जाता है। कैसा लग रहा है? अच्छा। अभी तो टेस्ट नहीं किया है बट इसके लिए मैंने बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्पॉन्जी सा बना है। ये देखिए ऐसे बहुत ही बढ़िया सा बना है। नंबर 1 क्वांटिटी कैसा बना है ये बताओ। अमेरिकन चीनी सही है? मैंने क्योंकि चीनी सिर्फ 1 चम्मच ऐड की थी। अदर अच्छा है, आथर को तो अच्छा लगेगा ही।